हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीणा। जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे नमकीन चिरोटा। नमकीन चिरोटे के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी सूजी, बारीक सूजी, छोटी कटोरी पालक प्यूरी, काली मिर्च एक टीस्पून, एक टीस्पून अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, एक टीस्पून जीरा, स्वादानुसार नमक, तलने के लिए तेल, आटा गूंदने के लिए पानी। हम दोनों आटा, मैदा और गेहूं का आटा और सूजी मिला लेंगे। फिर उसमें से आधे पार्ट को हम पालक प्यूरी से गूंदेंगे, आधे को हम सादे पानी से गूंदेंगे। और जिसमें हम सादा पानी डालेंगे उसमें हम एक पिंच हल्दी डालेंगे, ताकि एक आटा हमें ग्रीन कलर का और एक आटा हमें येलो कलर का मिले। चलो अब हम आटा गूंथते हैं। हमने आटा गूंथ लिया है। आधा आटा हमने सादे पानी से थोड़ा हल्दी डालकर गूंथ लिया, जिसमें हमें इस कटोरी से आधा कटोरी ही पानी लगा। और आधा आटा हमने पालक प्यूरी से गूंधा है, जिसके लिए एक छोटी कटोरी भर के हमने पालक प्यूरी ली थी। और इसमें हमने आटे में करीब करीब 2 से 2.5 टेबलस्पून गरम ऑयल मोयन के लिए डाला है। और चिरोटे की रोटी में लगाने के लिए हमने पेस्ट बना ली है, जिसमें हमने 3 टेबलस्पून इसी चम्मच से मैदा लिया है। और पेस्ट बनाने के लिए जितना ऑयल चाहिए उतना हमने इसमें ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नमकीन चिरोटा बना रहे हैं इसलिए ये चाय के साथ का एक अच्छा स्नैक्स है। इसके लिए हमने यहाँ ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसकी रोटियाँ बेल लेते हैं, उसके बाद चिरोटा बनाएंगे। मैंने यहाँ 4 रोटी बेल ली है, 2 हरी और 2 येलो कलर के आटे की। अब हम एक एक रोटी यहाँ रख के उसके ऊपर ये पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद उसका रोल करके कट करके हम चिरोटा बनाएंगे। इस प्रकार हमने हरी पीली ऐसे एक के ऊपर एक रोटी रख के ये पेस्ट लगा ली है, पूरी रोटी के ऊपर हमने स्प्रेड कर ली है। अब हम इसका इस टाइप से रोल बनाएंगे, एकदम टाइट रोल बनाना है हमको। और फिर इसके रोल बनाने के बाद इस टाइप में रोल करके अब हम इसे कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद हम चिरोटा बनाएंगे, फिर उसे डीप फ्राई करेंगे। ऐसे हमने आटे के रोल के टुकड़े कर लिए हैं और कुछ चिरोटे बेल लिए हैं। अब हम सभी चिरोटे बेल के तल लेते हैं। हमने कढ़ाई रख दी थी तेल गरम करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चिरोटे को तल लेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसे तलेंगे। गैस हमने एकदम लो फ्लेम रखी है, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। चाय के साथ खाने के लिए एक डिफरेंट मठरी जैसा, पर मठरी नहीं, नमकीन चिरोटा इसे हम बोल सकते हैं। और पालक से गूंधा है आटा, इसमें पालक भी हमें उसकी भी न्यूट्रिशंस मिलेंगे। आप जरूर ट्राई कीजिए। आप इस बीटरूट के जूस से भी आटा गूंद सकते हो। अब हम सभी चिरोटा इस प्रकार तल लेते हैं। चिरोटा हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी भी बजाइए, ताकि आपको मेरा दूसरा वीडियो जल्दी ही मिल सके। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बाय बाय।